गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। सो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार, मतलब कि इनको काफ़ी सारे नामों से बोला जाता है। तो जनेऊ की जो पूजा पाठ है ना, हर किसी के यहाँ पे ना अलग अलग तरीके से होती है। हमारे यहाँ पे तो जब लड़के की शादी होती है ना, तभी जनेऊ हो जाता है। लेकिन आंटी के यहाँ पे ना जनेऊ की जो पूजा पाठ है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस तरीके से शादी में पूजा पाठ कपड़े वगैरह सब नए नए खरीदे जाते हैं ना, तो आंटी के यहाँ पे कुछ इसी तरीके से होता है। किस किस के यहाँ पे होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में भी बताया था कि इस तरीके से आंटी के यहाँ पे पूजा पाठ होती है। और आप लोग देख सकते हैं, जो आंटी के जो पंडित जी भी है ना, वो गाँव से आए हुए, और आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है। आंटी के काफ़ी सारे रिश्तेदार आए हुए थे, और आंटी की सिस्टर्स आई हुई थी, आंटी की दौरानी आई हुई थी, आंटी की जिठानी आई थी, मतलब बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। और अभी आप लोगों को आगे व्लॉग में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये हमारी गली की बेटियां हैंगी, मतलब आंटी ने ना सबको बुलाया था, कार्ड वगैरह छपे थे। आंटी ने गली की जितनी भी बेटियाँ थी सबको बुलाया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप में से किस किस के यहाँ पे जनेऊ का जो ये जनेऊ संस्कार है, उपनयन संस्कार है, ऐसे होता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोगों के यहाँ तो शादी के टाइम पे ही हो जाता है। किस किस के यहाँ पे शादी के टाइम पे होता है और किस किस के यहाँ पहले होता है, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं भी आ गई थी यहाँ पे, मम्मी तो पहले ही आई हुई थी, मैं भी यहाँ पे आ गई थी। आप लोगों ने कल देखा था कि मैं बारिश में नहाई थी, बारिश में नहाने के बाद ना फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं, इनको भी आप लोगों ने मेरे पहले व्लॉग में देखा हुआ है। तो सभी लोग, गली के जितने भी लोग थे, सभी लोग आए हुए थे। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। मुझे भी ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, जैसे कि मैं अपने जोन में तो शूट करने में मुझे अच्छा लगता है, बट मैं किसी और के यहाँ पे घर पे जाके व्लॉग बनाना, ये ना मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। बट मैंने फिर भी शूट कर लिया था, क्योंकि मुझे आंटी ने बोला था कि थोड़ा सा व्लॉग बना लेना, तो यहाँ पर मैंने व्लॉग बना लिया था। और पता है आप लोगों को, आंटी के घर के जितनी भी आंटी की भाभियाँ हैं, बहनें हैं, वो सब लोग मेरे व्लॉग देखते हैं। तो मैंने ज़्यादा तो व्लॉग नहीं बनाया था, बट जितना बनाया मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे हमारी गली की जितनी भी प्यारी प्यारी आंटियाँ हैं, वो सारे लोग गीत गा रहे हैं। और ये देखिए हमारी गली ना मतलब बहुत अच्छी हैगी। यहाँ पे बहुत अच्छे से रहते हैं सब लोग। मतलब आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है ना, तो हमारी जो गली है ना, कुछ इस तरीके से गोकुल धाम जैसी हैगी। और ये आंटी की सबसे छोटी वाली सिस्टर हैंगी, तो ये भी गाँव से आई हुई हैं। गोरखपुर से आए हुए हैं ये सब लोग, गोरखपुर से। यहाँ पे हो रही है पूजा, आप लोग देख सकते हैं। और जो ये पंडित जी वगैरह है ना, ये भी गांव से आए हुए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों में जनेऊ संस्कार, ये उपनयन संस्कार कैसे होता है। हमारे में भी इसी तरीके से होता है, बट हमारे यहाँ पे ना जो जब शादी होती है ना, तो शादी के टाइम पे ही हो जाता है। जब हल्दी वगैरह की रस्में होती है ना, तो उसी टाइम पे हो जाता है। पर आंटी के यहाँ पे ना शादी से पहले जनेऊ कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आंटी के जो बड़े बेटे हैं, उनका जनेऊ गाँव में हो गया था, और जो छोटे बेटे हैं, आंटी ने छोटे बेटे का जो जनेऊ है वो यहाँ पर करवाया। पहले आंटी का घर बना हुआ नहीं था, बट अभी कुछ टाइम पहले आंटी का घर बन गया। तो ये है हमारी प्यारी आंटी जी, मतलब ये हमारी सासू माँ भी लगती हैं, सास कम है, फ्रेंड ज़्यादा हैं ये। ये बैठी हुई हैं यहाँ पे, अंकल जी भी यहीं कहीं हैंगे, और ये उनके छोटे बेटे हैं। आप लोग देख सकते हैं, उनकी पूरी फैमिली के लोग आए हुए हैं। चलिए आप लोग भी जनेऊ के जो संगीत वगैरह होते हैं, उनको एंजॉय करिए। मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट किया, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ पे ये परी की फ्रेंड है ना, उनकी मम्मी हैंगी, मतलब हमारे पड़ोसी भी हैंगे, सारे पड़ोसी हैं, सब लोग बैठे हुए थे। मेरी सासू माँ भी यहीं बैठी हैं, वो पीछे बैठी हुई हैं। मैं बाद में आई थी ना, तो मेरी जो फ्रेंड है वो यहाँ बैठी, तो उन्होंने कहा यहाँ पर आके बैठ जाओ, तो मैं उनके पास आके बैठ गई थी। मम्मी पीछे बैठी हुई हैं, आंटी के साथ बैठी हुई है, और ये हमारी गली की बेटी हैंगी। सब लोग बैठे हुए थे, बहुत अच्छा लगा था सब लोग। और
फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा यहाँ पे ना, जो अभी मेरे देवर जी हैं, मेरे देवर लगते हैं वो, तो वो मेरे देवर जी अभी काशी पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसा ही होता होगा, तो हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है, काशी पढ़ने जाते हैं, फिर उसके बाद सब लोग इनको भिक्षा देते हैं और भिक्षाम देही इस तरीके से मांगते हैं। तो जो घर के जितने भी लोग होते हैं ना, वो भिक्षा देते हैं घर के लोगों से, मतलब भिक्षा मांगते हैं। मतलब मुझे जितना पता है ना, मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो इनके मामा मामी थे, ये इनके मामा मामी हैं, इनके मौसा मौसी, इनकी तीन मौसियाँ हैं, तीनों मौसी ने मतलब इनको भिक्षा दी। तो भिक्षा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कपड़े होते हैं और मिठाई होती है, फल होते हैं, नारियल होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो इस तरीके से होता है। हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, बट हमारे यहाँ पे ना शादी के टाइम पे ही होता है। तो हर किसी के ना जो नियम होते हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं, हर किसी के रीति रिवाज थोड़ा सा अलग होते हैं। और यहाँ पे ये हैं इनके ताऊ ताई। आप लोगों ने देखा था कि आंटी अंकल जी ने ना मतलब गार्जियंस के तौर पे ना ताऊ ताई को बिठाला था, मतलब घर के बड़ों को बिठाला था। आंटी के जो ससुर जी हैं वो गाँव में हैं, तो वो नहीं आ पाए, तो आंटी ने घर के जो बड़े इनके जेठ जी हैं तो उनको बिठाला। अच्छी बात है ना, कहते हैं ना कि कभी भी कोई पूजा पाठ हो तो उसमें अपने घर के बड़ों को बिठालना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात होती है। और ये के जो आंटी जी के जेठ जी है ना, उनकी बहू हैंगी, मतलब आंटी की भी बहू लगी, और ये उनके हस्बैंड वगैरह हैं, तो ये सब लोग है ना भिक्षा वगैरह दे रहे थे। सो आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे बड़ी ना हंसी मजाक चल रहा था, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने पूजा पाठ देखी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप में से किस किस के यहाँ पे इस तरीके से पूजा पाठ होती है। हाँ, आंटी की जो पूजा पाठ थी हमसे थोड़ा सा अलग थी, बट बहुत सारी मिलती जुलती थी। तो हमारे यहाँ पे तो शादी के टाइम पे ही होता है जो जनेऊ संस्कार होता है, और आंटी के यहाँ पे पहले हो जाता है। तो यहाँ पे दरवाजे पे बैठ के मेरी सासू माँ भी खाना खा रही थी, मैं खा चुकी थी। और पता है, आप लोग सोचेंगे कि दरवाजे पे बैठ के क्यों खा रहे थे, खाना हमारे जो सामने प्लॉट खा लिया ना, तो वहाँ पे था। लेकिन आज ना बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, आप लोग देख सकते हैं, पूरी जो रोड है हमारी, सड़क है, वो पूरी गीली हो रखी थी, ये देखिए। और इसलिए तो ये छाता लगा रखा है पूरा, मतलब यहाँ पे गीला गीला हो रहा था, आप देख सकते हैं, पूरी जो सड़क है वो गीली। और इस टाइम पे भी ना बारिश हो रही थी, तो इनका जिस दिन जनेऊ है ना देवर जी का, मतलब तो उस दिन इतनी बारिश हुई है, सुबह से बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से ना भाई और मामा ना घुमाते हैं, तो ये मुझे नहीं पता ये क्या है, शायद ये काशी पढ़ने ही जा रहे हैं। हाँ जी, ये काशी पढ़ने जा रहे हैं, तो ये अब जा रहे हैं काशी पढ़ने। सो मेरे को भी ना कुछ पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट मैंने आप लोगों को जितना मुझे पता है वो बता दिया। तो ये देखिए, हमारे घर के आगे ही ये सारा टेंट वगैरह लगा हुआ है, और रात को यहाँ पे खाना पीना डांस वगैरह होने वाला है। तो कल आप लोग पूरा व्लॉग देखना, कल और मज़ा आने वाला है। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता।